ASN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कवर्धा जिले के ग्राम वीरेंद्र नगर, कोहरिया, सूरजपुरा तीनों गांव के संगम भरभड़ा नदी के किनारे विराजमान भगवान नागादेव बाबा मंदिर के सामने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 और 14 जनवरी को दो दिन मेले का आयोजन रखा गया, जिसमें भगवान नागादेव के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। माना जाता है कि इस जगह पर भगवान नागादेव धरती से निकला हुआ है। इसके सामने मत्था टेकने से मन की मुरादें पूरी हो जाती है एवं संकटों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि लोग मेला घूमने एवं दर्शन के लिए 200 किलोमीटर से भी पहुंच रहे हैं। मेले के आखिरी दिन 14 जनवरी को रात्रि कालीन वीरेंद्र नगर स्कूल प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। इस नागादेव स्थल पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर एवं जोहन खड़े, राजेंद्र मार्कंडे, रामकृष्ण साहू एवं कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे, जिन्होंने नागादेव भगवान की महिमा के बारे में लोगों से जानकारी सुनी। समिति के लोगों ने इस जगह को पर्यटक के रूप में शासन प्रशासन से मांग रखी है, ताकि आने वाले भविष्य में यह स्थल एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाए। पारंपरिक कर्मा ददरिया गीत के साथ लोगों ने विधायक ममता चंद्राकर के आने का इंतजार किया। नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, आप देख रहे हैं KSN24। आज हम पहुँचे हैं कवर्धा जिला के उस जगह पर जहाँ आस्था का केंद्र लगा है, और ये शासकपुर द्वारा ब्लॉक के वीरेंद्र नगर भरभरा नदी के किनारे घाटी प्रसाद कोहरिया और धर्म तीन गांव के संगम नदी के किनारे इस मेले का आयोजन रखा गया है, जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से 200 किलोमीटर से भी पहुँचे हुए हैं। बताया जाता है कि नागादेव के सामने मत्था रखने से, उसकी मूर्ति के सामने पूजा अर्चन करने से हर मुरादें पूरी हो जाती है। चलो देखते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। KSN24 न्यूज के लिए प्रहलाद साहू की रिपोर्ट।